इंडिका सिल्हुएट को टेस्ट करने के लिए एक पोर्शे जीटी 3 आरएस को रखा हुआ था, जिसमें 2008 में जीएम मोटरवर्क्स ने एक टाटा इंडिका को लिया और पूरा खोल के एक रेस कार में डेवलप कर दिया। इसका 1.2 लीटर वाला इंजन निकाल के एक 3.5 लीटर का निसान रैली रेस का इंजन डाल दिया इस गाड़ी के बीचों बीच, जिससे गाड़ी मिड इंजन बन गई थी और इस गाड़ी में 330 हॉर्स पावर दे दी, लिटरली 2 हैरियर के बराबर। साथ ही में इस गाड़ी को बहुत ही नीचे कर दिया, लिटरली जमीन से चिपका दिया, सामने एक नया बंपर डाल दिया काफी स्पोर्टी वाला, साइड में इस गाड़ी में बड़े बड़े 19 इंच के लॉज डाल दिए और इस गाड़ी का व्हील ट्रैक काफी बढ़ा दिया ताकि ये गाड़ी पलटे ना, बड़े बड़े फेंडर्स डाल दिए इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स बढ़ाने के लिए और साइड में कुछ और भी बड़ा एक एयरप्लेन वाला एयर स्कूप डाल दिया, पीछे एक बड़ा सा स्पोर्टी स्पॉइलर लगा दिया और 4 एग्जॉस्ट टिप दे दी और इंटीरियर में सब कुछ गायब कर दिया, सारी सीटें हटा दी, बस एक स्पार्को की सीट डाल दी और एक रोल केज डाल दिया, जिससे इस गाड़ी का वेट 200 किलो से रिड्यूस हो गया। इसमें आप 0 to 100 4.5 सेकंड में कर सकते थे और 270 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते थे। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करा क्योंकि इसका प्राइस 50 लाख से ऊपर पहुंच गया था और ये इतनी नीचे थी इसे सिर्फ आप घर पे ही चला सकते थे।